हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी के साथ रेडियो में हमारे एपिसोड 10 पे। और आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक ब्रेड फार्म। देखो हमारी मछली खत्म हो जाती है और हमको उसे पकड़ने को जाना पड़ता है, तो अब हमको करना नहीं पड़ेगा। अब मैं तुमको इस चीज़ सिखा दूँ, नीचे जाते हैं। जैसे ये हमारा नीचे का अंडरग्राउंड बेस था, जैसे तुम सबने देखा है, यहाँ हमारा नेटवर्क का पोर्टल है, यहाँ पर हमारा इंटरनेट रूम है, यहाँ मैंने ग्लोस्टन लगा दिया। ओके, लेकिन ये वाला रूम मैंने आके यहाँ पर से एक डोर लगाया है। एक तरफ पानी है, एक तरफ नीचे पानी है। तो देखो यार, अगर मैं जंप लगाऊँ तो मेरे को कुछ नहीं होता, बस तुमको दो साइन बोर्ड लगाना है, ऊपर पानी लगा देना है, ठीक है गाइस? तो तुम ऊपर से कूदोगे तो भी तुमको कुछ नहीं होगा। और ये है ऊपर जाने का यहाँ से ऐसे, तो मैं पहले तुमको बता दूँ नीचे है क्या। नीचे यहाँ पर सीढ़ी है भाई। मैं कुछ किया मैंने है नहीं ज़्यादा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है भाई। इसको रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन पता नहीं कुछ हुआ, करप्ट हुआ और ये फिर रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फिर बाद में बिगड़ गया। वैसे ही हुआ था। अभी मैं ब्रेड फॉर्म जो बताऊँगा वो मैंने आधा बना लिया, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था पहले, लेकिन फिर करप्ट हो गया, बाद में बिगड़ गया। तो यहाँ से नीचे सीढ़ी है, ग्लोस्टोन पानी हो सब लगाया, ये सब ये सब कॉन्क्रीट है, और ये भी कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट है, ये वुड की स्टेप है, ये रेडस्टोन का ब्लॉक है, रेडस्टोन का ब्लॉक ये, और ये रेडस्टोन लैंप है। ग्लोस्टोन और रेडस्टोन को मिलाओगे तो बन जाता है। और यहाँ पर आगे कुछ है नहीं और बनाऊँगा मैं, इधर भी आगे कुछ है नहीं बनाऊँगा, बहुत कुछ बनाना है। तो यार इधर तुम देखो, देखो वहाँ पर गड्ढा दिख रहा है, तो अगर मैं प्रेशर प्लेट खड़ा होता हूँ गड्ढा गायब हो जाएगा, तो मैं ऐसे निकल लूँगा। तो ये रेडस्टोन का पूरा झाल में लगे तुमको दिखाता हूँ, इसको मैं तोड़ता हूँ। ओके, तो देख सकते हो प्रेशर प्लेट से कनेक्ट है पूरा, और ये जा रहा है पूरा नीचे तक भाई। नीचे मैंने स्लाइम की ब्लॉक लगाई है और स्लाइम का पिस्टन, दोनों से कनेक्ट है, दोनों से कनेक्ट है भाई, दोनों प्रेशर प्लेट से, दोनों तरफ प्रेशर प्लेट है। अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ, है मैं ऊपर कैसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा। और ठीक है, अब मैं तुमको बता दूँ मेरे को स्लाइम मिला कहाँ से। ये होता है स्लाइम बॉल, मेरे को टोटल 6 मिली थी, मतलब भाई टॉर्च क्यों गिराया जा रहा हूँ मैं। अब टॉर्च ओके, तो वो मैं कहाँ मिली थी वो तुमको बताता हूँ। इधर कहाँ, इधर तुम देखोगे पहले तो कोई इधर का एक टूर दे दूँ। यहाँ पर नीचे कॉन्क्रीट है, ये कॉन्क्रीट का पाउडर है, यहाँ डबल डोर है। यहाँ पर मैं एक वो बनाऊँगा, मतलब एक आर्टिफिशियल रूम बनाऊँगा जहाँ पर विलेजर्स एनिमल सब कुछ रहेंगे। और इधर मैंने फिलहाल को सोचा है नहीं, बस सोचा है कि मैं एक पोशन रूम बनाऊँगा, सब कुछ कॉन्क्रीट से। और देख ही सकते हो कितना सुंदर लगता है कॉन्क्रीट। और आगे यहाँ पर, और इसको अगर मैं तोड़ूँ तो यहाँ से रास्ता है जो कि केव को जाता है। और वो देखो वहाँ पर एक मकड़ी है, और देखो वहाँ एक स्केली मेरे को एम करके बैठा है। तो यहाँ पर मेरे को केव मिला, मैं यहाँ से आयरन माइनिंग करने को आया था, जो हमारी माइन है। ओए ओए तेरी, रुक तेरी मैं बताता हूँ। तो जो हमारी माइन है वो भी इस गुफा को कनेक्ट करती है। तो माइनिंग करने आया था और टॉर्च यहीं लगा के निकल लिया था, तो यहाँ पर स्लाइम स्पॉन हो गए। उसका तुमको फार्मिंग करना पड़ता है, तो मैं तुमको अपनी एक वीडियो होगी स्लाइम फार्म वाली, वो उसमें तुमको बता दूंगा। तो और तो यहाँ कुछ है नहीं, और फिर तुमको दिखाने को तो बहुत कुछ है। ये सब मैं मिनी वीडियो कर रहा था, मतलब मिनी वीडियो हैशटैग 1, मिनी वीडियो हैशटैग 2 वैसे कर रहा था, तो बिगड़ गई, करप्ट हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो अब मैं ऊपर जाता हूँ और तुमको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमारा ब्रेड फार्म जो आधा बन चुका है, वो उसमें सामान लगाने बाकी हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। और रात हो रहा है, जल्दी से सो जाता हूँ मैं। और पता नहीं मेरी गेम क्यों लैग कर रही है। ओके, और देख रहे हो हम सोते वक्त भी शील्ड पहन के सोते हैं, क्या मालूम कब कौन अटैक कर दे हमारे ऊपर। अब मैं तुमको दिखाता हूँ इधर, और गेम इतनी ही लैग क्यों कर रही है भाई। हद से ज़्यादा लैग कर रही है भाई। ओके, तो देख सकते हो ये हमारे जाने का तो था, तो अब मैंने यहाँ से वापस आने का भी बना दिया है। तो मैं तुमको पहले जाता हूँ वहाँ, और मैं स्पीड में जाता हूँ।
क्योंकि स्पीड में जैसे हंगर खत्म नहीं होता पानी में उतना, तो स्पीड में जाते हैं, स्पीड में बहुत स्पीड है भाई, बहुत स्पीड। ओके देख, ओहो बूट लगा था अभी, ऐसे छोड़ दिया ना। ओके तो तुम सब तो यहाँ तक देखे थे हमारे ऊपर जाने का सिस्टम, तो मैंने यहाँ पर एक रूम बना दिया है स्टोन से, मतलब तरह तरह के स्टोन से, स्मूथ स्टोन, स्टोन ब्रिक्स, और यहाँ मैंने चेस्ट लगाई है, और ये स्लाइम बोर्ड है, कौन आने का है कौन से जाने का है, तो ये है जाने का वाला, तो तुमको बाहर निकल के बताता हूँ एक सेकंड। बाहर जो तुम आर्मर देख रहे हो मेरा आर्मर है, तो मैं इसको पहना दिया हूँ, ये वाला मेरा आर्मर था लेकिन मैं इसको पहना दिया हूँ, और आर्मर स्टैंड लगाया मैंने एक, और ठीक है। तो अब देखो इधर हमारा काम हो चुका है, मतलब काम नहीं हो चुका है, ये जो है ये है हमारा है एक विलेजर। ओके ये एक विलेजर है, वो भी कोई आम विलेजर नहीं, ये है फार्मर देख सकते हो। तो अब मैं इसको कैसे लाया तुमको बताता हूँ, तो उसके लिए पहले मेरे को विलेज में जाना होगा, तो मैं तुमको विलेज में मिलता हूँ। ठीक है गाइस, मैं आ गया हूँ विलेज में, और यहाँ कोई विलेजर क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा, सारे गेट वेट खुले हैं, मेरे ख्याल से सारे मर गए, मतलब जो अभी विलेजर एक यहाँ है, नाइस, तो विलेजर रेड हुआ था, विलेजर रेड मतलब, तो उसमें मारे गए होंगे। ठीक है, तो देखो तुमको बोटे लेके आनी है, मेरे पास दो बोट है, अब इस बोटे 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 इधर बहुत हार आजा, बैठ गया तू बोट में, तुमको उसके सामने बोट को रख देना है, तो हिलेगा वो, मतलब उस बोट के ऊपर जाएगा, मतलब उस बोट के ऊपर पैर भी रखा तो ट्रैप हो जाएगा, फिर तुमको क्या करना है, फिर तुमको स्नीक करके ऐसे धक्का दे सकते हो, या फिर तुम खुद बोट को बटन दबा के बैठ के ऐसे लेके जा सकते हो उसको, तो मैं तो उसको ऐसे ही बैठा के लेके गया था विलेजर को, लेकिन जैसे कि तुमको ये चढ़ाऊ करनी है, तो तुमको फिर वाटर का बकेट और फिर तुम इसके ऊपर ऐसे रख दो, फिर तुम उसके पास जाओ, और ये बोट मेरी, मैं नहीं खेल रहा माइनक्राफ्ट, क्योंकि लैग कर रही है भाई, मैं नहीं खेल रहा माइनक्राफ्ट। ओके तो चढ़ जा नहीं, ओए चढ़ जा भाई। ओके नहीं चढ़ रहा यार, और इतना ज़्यादा गंदा लैग कर रहा है कि मैं तुमको अभी दिखा भी नहीं सकता, तो जिस टाइम थोड़ा लैग कम होगा उस टाइम मैं तुमको दिखा दूँगा। तो ये सिंपल है, बस तुमको बोट को वहाँ तक लेके जाना है और यहाँ पर चढ़ा देना है, बोट चलाने का मैं तुमको बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया तुमको, तो देखो बहुत सिंपल होता है बोट कैसे चलाते हैं, तो बोट और बोट बोट, तो देखो दो बटन आ रहा है, अगर लेफ्ट वाला दबाऊंगा मतलब राइट वाला दबाऊंगा तो लेफ्ट जाऊंगा, लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो राइट जाऊंगा, अगर दोनों को एक साथ दबाया ना तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, तो सिंपल है बोट चलाना। अभी तुमको वो आएगी वीडियो, अभी मैं तुमको बता दूंगा कि हाउ टू टेक विलेजर्स या फिर कुछ वैसा ही, और क्रिपर के बारे में भी वीडियो आएगी, अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो अभी तुम इसको ऐसे लेके जा सकते हो, तो अभी तुमको काम पे मिलता है मेरे मेरे को, अभी मैं पहुँच चुका हूँ, मैं अपना एनविल भी ले आया हूँ, और मेरे को फिशिंग करते हुए एक नेम टैग मिला, तो वो भी तुमको मिल जाएगा, तो एनविल को मैं रखता हूँ, और नेम टैग का फ़ायदा बताता हूँ, नेम टैग को तुमको यहाँ रखना है, फिर यहाँ पर जो देखा नेम टैग उसको तुमको मिटा देना है, और जो भी नाम रखना है वो तुम रख सकते हो, तो मैंने अभी जेफ लिखा है। ओके तो अब इस नेम टैग का नाम जेफ हो गया है, अब मैं जाऊंगा अपने विलेजर भाई के पास, और इसके पास जाते ही नेम का बटन आया दबा दूंगा, तो इसका नाम जेफ हो गया, और ये कभी अब डिस्पॉन नहीं होगा, मतलब गायब नहीं होगा, जब अगर मैं उसका नाम जेफ रख दिया, मेरे पास बहुत सारे फैंस रखे हुए हैं अभी भी, तो ठीक है यहाँ पर विलेजर्स मेरे को लेके आना है, मैं लेके आता हूँ, लैग के कारण मैं लेके नहीं आ पा रहा था, तो मैं लेके आता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, अभी बहुत लैग कर रहा था लेकिन मैं लेके आया, दो विलेज लेके आया विलेजर मतलब, तो अब इनको लेके आ गए हो तो तुम, तो बस तुम्हारा काम हो गया, अब तुमको क्या करना है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा काम करना है मशीनी वाला, इसको मैं इसमें लगा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को दो वूल चाहिए, क्योंकि मेरे को एक कारपेट बनाना है ताकि मैं आ जा सकूँ, और कारपेट इसलिए क्योंकि उससे विलेज नहीं, विलेजर नहीं जा सकते, लेकिन हम ज़रूर जा सकते हैं, तो मेरे को
एक शीप ढूंढ रही है यार, और ये काय नहीं मिल रही, बहुत कॉमन होती है शीप, सामने दिख रही है मेरे को। अपना क्रॉसबो चार्ज कर लो, अब भागते हुए जाते हैं शीप के पास और उसको वन हिट किल करने की कोशिश करते हैं गाइस। और ये शीप का वन हिट किल हो चुका है, अब मेरे को दूसरी शीप चाहिए, आई नीड सेकंड शीप जो कि वहाँ नीचे है, और मैं इसको भी वन हिट किल करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने क्रॉसबो पे इंचरमेंट डाल दिया है थ्रू माई इंचरमेंट टेबल, और लैग कितना ज़्यादा हो रहा है गाइस, इतना लैग में कोई कैसे खेल कर पाएगा। अब मेरे को ऐसा करके कारपेट बना लेने का, और इस कारपेट को फेंस के ऊपर रखने का ताकि मैं अंदर बाहर दोनों तरफ जा सकूं, लेकिन विलेजर सिर्फ अंदर रह सकें। तो मेरे को यहाँ पास एक कारपेट रख देना है और उस डर्ट को अब हटा देना है। ओके, अब मैंने कारपेट रख दिया, तो देखो मैं ऐसे आ जा सकता हूँ, विलेजर्स आ जा नहीं सकते। तब जो मैं चेस्ट लेके आया था उसको मेरे को एक चेस्ट यहाँ रखना है, दूसरा एक चेस्ट यहाँ, और चेस्ट को एक चेस्ट को तुमको फेंस के नीचे रखना है, दूसरा उसे बगल में, तो तुम उसको खोल पाओगे। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको हॉपर चाहिए। हॉपर तुम बना सकते हो, काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, चेस्ट आयरन, और फिर तुमको ये क्राउच कर जाना है और हटना हट जा, फिर तुमको क्राउच करने को इस पर टैप करना है, चेस्ट पे, फिर हॉपर पे, तो ऐसे तुमको 5 बार करना है। तो देखना ये तुम्हारा 5 ब्लॉक्स का होना चाहिए, तुम ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन तुम्हारी मर्जी है। और अंधेरा होने को आया है, मतलब मॉब्स आएंगे, तो अभी हमको फटाफट से क्या करना है, ग्लास पेन जो दिख रहा है इसको मेरे को ऐसे लगा देना है, मैं कारपेट हटा देता हूँ और ये ग्लास पेन को इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि मैं इनको बाहर से देख सकूँ और जॉम्बीज और ये सब ना देख सकें और इन पर अटैक ना कर सकें। तो मैं ये ग्लास पेन लगा देता हूँ इनके ऊपर, और फिर उससे और मेरे को स्लैब भी लगाना है इनके छत के रूप पे। तो अभी देखते हैं, मैं पहले ग्लास पेन तो लगा लूँ। ओके, ग्लास पेन लग जाओ पूरा। ओके, और तुमको लगा लेना है कुछ ऐसे, और ये तुम 2 ब्लॉक कर सकते हो, यहाँ पास दोनों विलेजर खड़े हैं वो तुम 2 ब्लॉक्स को कर सकते हो। ग्लास पिन लग चुका है, अभी होपफुली जम्बी से प्रोटेक्टर है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आसपास ऐसे टॉर्च लगा दो ताकि यहाँ पर जम्बी स्पॉन ना हो, और इस एरिया में बहुत स्पॉन होते हैं, इसलिए मैं लगा देता हूँ। अब मैं स्लैब लेके आता हूँ, ठीक है गाइस, मेरे को लगता है वहाँ मॉब आया, मैं लेके आ गया हूँ हमारा स्लैब, और स्लैब को हमको ऐसे ग्लास के ऊपर से रखते जाना है, और मैं ग्लास को लेता हूँ ताकि मैं गिरूँ ना, और हम इसको रखते जाते हैं कुछ ऐसे ताकि हमको कोई तकलीफ ना हो, मतलब ये जॉम्बीज जो तुम देख रहे हो, ये जॉम्बीज इसको देख नहीं पा रहा है, अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ना कि इनके पीछे, लेकिन फिर भी हम इनको प्रोटेक्शन दे देंगे, तो कैसे भी करके दे देंगे बस। और यहाँ उल्टा सीधा जगह लगते जा रहा है स्लैब जो है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास आई डोंट थिंक कि इनफ स्लैब है, मेरे को फिर से लेने जाना पड़ जाएगा, तो ये तकलीफ की बात हो जाएगी, बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी, ज़्यादा ही तकलीफ की बात हो जाएगी। तो अगर अभी पूरे नहीं हो पाए, जो कि कन्फर्म है कि नहीं हो पाएंगे, तो मैं बाकी को बाद में कर दूँगा, अभी मैं आधा ही कर दे रहूँगा। तो देखो हम इसको ऐसे कवर कर देना है, और इतना लैग भाई देख रहे हो, मैं टैप किए जा रहा हूँ लेकिन ब्लॉक वहाँ लग नहीं रहा है, पबजी मोबाइल न्यू अपडेशन टेस्ट हो या सर्टिफिकेट, पबजी मोबाइल का नया अपडेट आया गाइस, अब देखना पड़ेगा प्ले स्टोर पर आया है, और देख रहे हो लैग में इतना टैप कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है, अब क्या करूँ, इतना लैग कर रहा है, पता नहीं किस बात का लैग है इतना। मैं कोशिश करूँगा इसको फिक्स करने की, अगर ये हो जाए मुझसे तो। देखो यार, इतना भी मैं कर लेता हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगा, और अभी मैं तुमको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, जब ये होता कि इसको मेन में बता दूँ, एक जगह पहले यहाँ आस पास जॉम्बी घूम रहा था उसको मार दूँ एरा, ताकि हमारे, ओ भाई क्या लैग कर रहा है, ऐसी लैग क्यों करनी इसको, और ये जॉम्बी इसको पहले मैं मार दूँ एक्टिवेट करके,
तो देखो इनका काम क्या है, जो विलेजर भाई है अपने, ये इन सबको तोड़ेंगे और उसको तोड़ने के बाद उसका ब्रेड बना के इनको देंगे ताकि ये दोनों ब्रीड कर सकें। और ये देंगे लेकिन ये हॉपर के जरिए मेरे चेस्ट में आ जाएगा तो इनको नहीं मिल पाएगा, समझ लो इनका खाना मैं चुरा रहा हूँ। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा, मैं घर जाके सो के आता हूँ और देखता हूँ फिर कि कितने ब्रेड्स आते हैं गाइस। तो ठीक है गाइस, वो सामने वुल्फ, हमारे पास हड्डी की कमी और एक कैरेक्टर नहीं है तो बाद में उस वुल्फ को मैं चेंज करूँगा। और मेरे को भी डर लग रहा है ऊपर से, ये हमारे पास आके ना फिर गए ऊपर स्लैब पूरा कर दिया हूँ मैं। और यहाँ पर देखते हैं कुछ आया है कि नहीं। ओके गाइस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हमको यहाँ पर जैसे मिल गए हैं ब्रेड 46 एंड 1 स्टैक, तो हमारे ये काम कर रहा है सक्सेसफुली। तो बहुत सिंपल था यार, मतलब यहाँ पर तुमको थोड़े से मतलब वीट वीट ऐसे लगाना है, पानी लगा देना, होपफुली तुम उसको किसी चीज़ से कवर कर दो ट्रैप स्लैब से, और फिर तुम फेंस भी इसको कवर कर दो, यहाँ हॉपर लगा दो उसके ऊपर फेंस लगा दो, और यहाँ पर दो ब्लॉक से जगह छोड़ के फिर से हॉपर ऊपर ग्लास पेन, फिर से विलेजर्स ले आओ ऊपर स्लैब लगा दो। तो बस बहुत सिंपल था यार ये ब्रेड फार्म, और होपफुली कि तुम्हारे पास एक टैग आ जाए और तुम अपने फार्मर को, सिर्फ फार्मर को ही बोल रहा हूँ, सबको नहीं सिर्फ फार्मर को ही कम से कम टैग कर दो। मेरे पास एक इतना तो मैं एक से कर दिया, मेरे को जैसे ही मिलेगा टैग तब मैं इन दोनों को भी कर दूंगा ताकि ये दो भी डिस्पॉन ना हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ तुमको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दो, मैं इम्प्रूव कर लूँगा, और सब्सक्राइब करके हमारे डीजे आर्मी का मेम्बर बन जाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।